Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English class 9. Today we are going to open our English grammar and composition book for grade 9 and 10. Come to the page number 1, that is contents. जहाँ पर contents लिखे हुए हैं उस पेज पर आप आएंगे. जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा chapter number 1 paragraph writing. आपके paper में जो उसका pattern है उसके अंदर आपको paragraph लिखने के लिए आता है. For 6 marks, 6 number का होता है वो, और you have to write a paragraph about the given topic in 60 to 80 words के अंदर आपका paragraph पूरा हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर आपको उन्होंने कुछ paragraphs दिए हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने कुछ exercises with hints दिए हैं. यहाँ पर ये most of the paragraphs आपको already prepared है, आपको आते हैं, लेकिन जो remaining paragraphs हैं वो आपने आप प्रिपेयर करने हैं. पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है कि आपने एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें आपने द पॉइंट बात करनी होती है. आप ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज रहकर इसको लिखते हैं. आपके पेपर में उन्होंने आपको वर्ड्स की दे दी होती है लिमिट, और आपने उस लिमिट के लिमिट में रहकर पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट माय स्कूल. इस पूरे पैराग्राफ में स्कूल और उसकी बिल्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया, टू द पॉइंट बात की गई. नेक्स्ट इज गर्ल गाइड्स. गर्ल गाइड्स का मतलब ये होता है कि लड़कियों के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उनको सिलाई कढ़ाई और बाकी चीजें सिखाई जाती हैं, ये पूरा इन्होंने उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है. ये एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गर्ल गाइड्स का सिस्टम स्टार्ट किया था, और उसके बारे में इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है इन 7 to 8 lines. नेक्स्ट इज अ विजिट टू अ म्यूजियम. अब म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपके पुराने जमानों की चीजें वो संभाल के रखा गया होता है विद देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर इन्होंने विजिट बताया हुआ है या पिकनिक बताई हुई है जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने की है टू द म्यूजियम. तो वो इन्होंने जस्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को. हॉस्पिटल का सीन बताया गया है कि इसमें क्या सिस्टम है. एक बच्चा है वो अपने फादर के साथ किसी की इयादत करने के लिए हॉस्पिटल में गया है, और वहां पर वो हॉस्पिटल का पूरे पिटिबल कंडीशन जो उसने देखी वो उसके बारे में जिक्र कर रहा है. ये इन्होंने जस्ट ये बताया हुआ है इस पैराग्राफ में. नेक्स्ट इज फैशन. अब फैशन में ये जो आजकल का पहनावा है बच्चों में बड़ों में वो किस तरह उनकी सोच चेंज कर रहा है वो आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप इससे बेहतर कर सकते हो या बेहतर फाइंड आउट कर सकते हो या बेहतर लिख सकते हैं तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं. जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा यही टॉपिक्स आपके पेपर में आए, लेकिन मोस्टली रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए हम ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये प्रिपेयर कर लेते हैं. अ रिवर इन अ फ्लड, इट इज अबाउट द सीन ऑफ अ रिवर विच इज इन फ्लड. बच्चा है एक, वो अपने गांव गया, वहां पर उसने फ्लड देखा है, वहां पर उसने उसका सीन एक्सप्लेन किया गया है. अ ड्रीम, ड्रीम इज अबाउट कोई भी ऐसा ख्वाब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पर एक अर्थक्वेक के बारे में ख्वाब देखा है बच्चे ने, उसने वो एक्सप्लेन किया है. हाउ टू कीप अवर टाउन क्लीन, हम अपने शहर को कैसे साफ रख सकते हैं, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं. नेक्स्ट इज एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन. एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का मतलब ये होता है कि जब मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स शो करते हैं कि हम ये चीज प्रोड्यूस करते हैं और इसी कॉस्ट पर प्रोड्यूस करते हैं, उसका जब स्टॉल्स लगते हैं छोटे छोटे उसको बोलते हैं एग्जीबिशन. तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी. कोई भी आप अपने नेबर के बारे में बता सकते हैं, और आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं. लेकिन फिर भी बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स ऑफ योर वर्ड्स. लाइक आप बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिख सकते, आपको एक बात स्टार्ट करनी है और उसको एंड कर देना है विद इन अ वन पैराग्राफ, क्योंकि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप इसके पार्ट्स नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज अमीना बाजार. अमीना बाजार इस काइंड ऑफ पार्टी होती है जिसमें डिफरेंट स्टॉल्स लगाए जाते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर लगाते हैं इन्होंने, और डिफरेंट शोज होते हैं, ड्रामास होते हैं, उन सब में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और एक उस एनवायरमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर. नेक्स्ट इज रोड एक्सीडेंट. रोड एक्सीडेंट, अगर आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया आप वो भी कर सकते हैं. पाकिस्तानी विमेन, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तानी विमेन, उनकी क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो सब इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. आपने टू द पॉइंट बात करनी है.
सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आप फॉर्चून टेलर, फॉर्चून टेलर का मतलब ये होता है जो मतलब आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताता है कि किस्मत ऐसी है और ये वो जो हाथ वगैरह देखकर या किसी और तरीकों से जो फॉल वगैरह निकालते हैं उस सब के बारे में यहाँ पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन्होंने आपको हिंट दी हुई है यहाँ पर वो पैरट ना केज जो तोता जो फॉल निकालता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. एंड नेक्स्ट इज अ पिकनिक. यू कैन एक्सप्लेन एनी पिकनिक ऑफ यू ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली और यू कैन टेक द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन हियर. थर्ड वन इज स्ट्रीट क्रॉल, मतलब गली में या किसी की लड़ाई हुई है कुछ भी उसका जो सीन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. नाउ रिमेंबर दिस हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब होता है तारीखी मकाम. म्यूजियम इज नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस. ये बात आपने याद रखनी है, म्यूजियम हिस्टोरिकल प्लेस नहीं होता. हिस्टोरिकल प्लेस कोई भी ऐसी जगह होती है जो हिस्ट्री में या पुराने जमानों में बनाई जाती है जिसका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू होती है. म्यूजियम इसमें इंक्लूड नहीं करता. यू कैन राइट शालीमार गार्डन, यू कैन राइट लाहौर फोर्ट और बाकी जो आपके फोर्ट वगैरह हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज अ विजिट टू अ ज़ू. ज़ू इसमें भी ज़ू के बारे में, जो इस्लामाबाद ज़ू है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर हिंट दिए हैं. यहाँ पर इन्होंने लाहौर ज़ू के बारे में हिंट दिए हैं. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट इस्लामाबाद ज़ू. नेक्स्ट इज अल्लामा इकबाल, आर ग्रेट पोइट. उनके बारे में इन्होंने हिंट्स दिए हैं. इन हिंट से आपने अपने जो रजिस्टर्स हैं इंग्लिश के या आपकी जो कॉपीज हैं उनके ऊपर आप ये पैराग्राफ्स बनाएंगे इन हिंट्स की मदद से सेंटेंसेस को कंप्लीट कर कर. नेक्स्ट इज द टीचर आई लाइक द बेस्ट. यू कैन राइट एनी टीचर अबाउट एनी टीचर यू लाइक एंड द रीजन ऑफ लाइकनेस एंड उनकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देंगे. इन्होंने यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को कंप्लीट करते हुए आप एक पैराग्राफ बनाएंगे. अ हाउस ऑन फायर, किसी भी घर में आग लगी है उसका जो सीन है उसको एक्सप्लेन किया गया. यहाँ पर आपको उन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं, हिंट को पढ़कर आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करके अपने रजिस्टर्स पर लिखेंगे. सो ये एट एक्सरसाइजेस और बाकी जो आपको ऊपर इन्होंने एक्सरसाइज से पहले जो 13 पैराग्राफ्स दिए हैं पाकिस्तानी विमेन के, सब आपने इनको प्रिपेयर करना है, याद करना है क्योंकि ये आपके पेपर में इंक्लूडेड है स्पेशली इन योर फर्स्ट टर्म. इसलिए आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करनी है. मोर ओवर जो आपके एक्सरसाइजेस वाले हैं वो आप अपने रजिस्टर्स पे पहले लिखेंगे और आपको उनके नोट्स भी आपके स्कूल से मिल जाएंगे. नेक्स्ट, नाउ अगेन कम टू द पेज वन दैट इज कंटेंट. जो कंटेंट का पेज है दोबारा उस पर जाएंगे. लेटर्स एप्लीकेशन एंड इन्विटेशन. लेटर राइटिंग, आपके क्लास 9th में आपके जो लेटर्स इंक्लूडेड हैं वो है इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, जो आप अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन लेटर्स को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. यहाँ पर इन्होंने आपको 14-15 लेटर्स दिए हुए हैं. ये लास्ट वाला नहीं है, दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर, लेकिन ये इन्होंने इसके अंदर दिस इज अ फॉर्मल लेटर लेकिन इन्होंने इस हेडिंग के अंदर दिया हुआ है. तो आप ये 15-16 लेटर्स हैं ये आप प्रिपेयर करेंगे. मोस्ट ऑफ द लेटर्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन बाकी सब लेटर्स आपने प्रिपेयर करने हैं. पैटर्न आपने वो वाला यूज करना है जो आपको स्कूल में क्लास में समझाया गया कराया गया है. बुक वाला पैटर्न आपने फॉलो नहीं करना. जैसे आपको क्लास में बताया गया कि लेटर का स्टार्ट और एंड कैसे करना है आपने वैसे ही अप्लाई करना है. और इसके अलावा आप ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे. ये सारे आपके लेटर्स दिए हुए हैं इनफॉर्मल लेटर्स. पैटर्न आपने ये वाला अप्लाई नहीं करना. पैटर्न आपने वो अप्लाई करना है जो आपको कॉपीज पे लिखवाया गया है. नेक्स्ट ये कि आपको कोई भी अनसीन टॉपिक भी आ सकता है लेटर्स का, आपने उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है. करना ये है कि आपको एंडिंग और क्लोजिंग आनी चाहिए, आपको पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं. अभी जो आपको लेटर्स आएंगे वो इनफॉर्मल लेटर्स, एक तो ये जो आपकी बुक में 16 दिए हुए हैं ये, इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश ए की बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी आपको लेटर्स आ सकते हैं अबाउट एनी टॉपिक, एनी इनफॉर्मल लेटर. सो आपको इन लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है. नाउ टॉपिक नंबर 4, डायलॉग राइटिंग. डायलॉग राइटिंग का मतलब ये होता है कि उर्दू में इसको बोलते हैं मुकालमा, जिसमें दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अबाउट एनी टॉपिक. यहाँ पर आपको 5 टॉपिक्स दिए हुए, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, बिटवीन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सलात और नमाज, आस्किंग वन्स वे मतलब आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर कंसर्निंग टाइम, टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में, या टाइम को डिस्कस कर रहे हैं बहन और भाई उनके बारे में, उनके दरमियान डायलॉग लिखना है. नेक्स्ट इज डायलॉग बिटवीन अ टेलर एंड अ कस्टमर.
आप ये डायलॉग आपके पेज नंबर 29 पर दिए हुए 29 एंड 30 यहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे। और इसके अलावा जो आपके इंग्लिश ए के चैप्टर्स के एंड पे डायलॉग्स की टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपने अपने रफ रजिस्टर या अपने जो आपके इंग्लिश के रजिस्टर्स हैं जिस पर आप इंग्लिश का वर्क करते हैं उस पर आप इसको उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनको लिखेंगे। बट ये जो टॉपिक्स हैं ये आप यहीं अपनी इस बुक से प्रिपेयर करेंगे। इस वीक के लिए आपका इंग्लिश का यही काम है और आपने ये सारे लेटर्स, योर डायलॉग्स एंड योर पैराग्राफ्स, सारे के सारे जो इंग्लिश ग्रामर की बुक में ये आपने इनको प्रिपेयर करना है, इनको लर्न करना है, क्योंकि ये सब आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूड होंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।